बिजली का काम जो हम लोग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मोटर आती हैं जिनके अंदर कभी रनिंग की कॉइल फूकी हुई होती है, कभी स्टार्टिंग की कॉइल फूकी हुई होती है। तो मिस्त्री को कई बार समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्यों हुआ है, कस्टमर को भी ये समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इसकी आधी कॉइल फूक गई है या एक कॉइल फूक गई है या एक कॉइल बाकी की पड़ी हुई हैं। तो रनिंग की कॉइल एक क्यों फूकती है, सारी की सारे रनिंग की कॉइलें क्यों फूक जाती हैं, स्टार्टिंग की कॉइल क्यों फूकती है, क्या कारण होता है इन सब का, आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ रामू प्रसाद और आप मेरे चैनल एसी सॉल्यूशन पर। वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है कि मोटर के अंदर आधी कॉइल जल जाती है, एक कॉइल जल जाती है और बाकी की सारी पड़ी रहती हैं, और क्या ऐसा करें जिसकी वजह से कि हमारी मोटर की कॉइल ना फूके, ना जले, लंबे समय तक चलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, एग्जांपल के लिए हमारे पास ये फ्राटा फैन है जो कि 1440 आरपीएम का है, ये आया हुआ है। इसी के ऊपर मैं सभी मोटरों का एग्जांपल बताने वाला हूँ। इसी एक मोटर से ही आपको सबके बारे में पता चल जाएगा कि आखिर सबके अंदर जो एक कॉइल, कभी सीलिंग फैन का आप देखते हैं या कभी बड़ी मोटर का देखते हैं, कोई एक कॉइल फूकी रहती है या सारी कॉइलें फूकी रहती हैं, तो क्यों ऐसा होता है सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। जैसे कि आप इस मोटर में आप देखेंगे तो इसकी रनिंग की एक कॉइल ये देख सकते हैं, ये ज़्यादा फूकी हुई है, मतलब ज़्यादा जली हुई है, काली हो रखी है, और स्टार्टिंग की इसके अंदर एक भी कॉइल फूकी हुई नहीं है, और रनिंग की आप देखेंगे कि इसके अंदर एक कॉइल तो ये फूकी है, बाकी की आप देखेंगे ये वाली थोड़ी सी कम फूकी हुई है, यानी कि कम काली है, ये वाली मतलब बिल्कुल बची हुई है, और ये भी बिल्कुल बची है, यानी कि यहाँ से शुरुआत हुई है और यहाँ से आते आते ये काली हुई है और ये पूरी ही काली हो गई, पूरी ही जल गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्यों इस तरह से हमारी मोटरों के अंदर इस तरह की दिक्कत आती है कि आधी कॉइल जल जाती है या आधी बच जाती है या एक कॉइल जल जाती है बाकी की सारी बच जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, इस मोटर के अंदर क्या प्रॉब्लम है पहले ये जान लीजिए। इस मोटर के अंदर दोस्तों ये प्रॉब्लम है कि जब हमारे मोटर के अंदर बैरिंग जाम होता है, जैसे बूस लगा हो या बैरिंग लगी है, अगर वह जाम हो जाती है तो उसको जाम होने की वजह से आपकी मोटर स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन रनिंग की कॉइल के ऊपर जोर ज़्यादा पड़ने लग जाता है। आपने देखा होगा इसके अंदर एक कॉइल जल रही है लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारी मोटरें ऐसी होती हैं जिसके अंदर रनिंग की सारी कॉइलें जल जाती हैं, हैं या तो स्टार्टिंग की सारी कॉइलें जल जाती हैं। जब मोटर को स्टार्ट होते समय ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है तो स्टार्टिंग की कॉइल जल जाती है, यानी कि आपकी मोटर पूरी तरह से जाम है और उसको चलाने के लिए स्टार्टिंग कॉइल पे ज्यादा जोर पड़ता है, यानी कि स्टार्ट करना चाहती है लेकिन स्टार्ट हो नहीं पा रही है, और ऐसे में जाम होते समय जब आपकी मोटर फूकेगी तो स्टार्टिंग की कॉइल फूकेगी, लेकिन स्टार्ट होने के बाद में जब मोटर जाम होने लग जाते हैं, यानी कि उसके अंदर ग्रीस सूख जाए चलते चलते, उसके बाद आपकी यानी कि स्टार्ट तो हो गई, उसके बाद जब आपकी मोटर रवा है चल रही है, उसके बाद जब आपकी मतलब जाम हो जाएगी मोटर तो आपकी रनिंग की कॉइल है उसके ऊपर जोर पड़ने लग जाता है, लोड पड़ने लग जाता है एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से कि रनिंग की कॉइलें फूक जाती हैं। अब इसके अंदर क्या दिक्कत आई है दोस्तों, मैं बताऊं, मोटर स्टार्ट हो जाती है लेकिन मोटर स्टार्ट होने के बाद में से 10 मिनट या 15 मिनट बीतते हैं तो उसके बाद में इसके अंदर से आवाज़ आने लग जाती है। आवाज़ क्यों आती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आवाज़ आते आते ये पंखा जो है कि ये मोटर जो है कि ये इसकी रोटर ये जाम होने लग जाता है। इसका क्या कारण है, जैसे कि अगर कई बार बैरिंग होता है उसके अंदर भी यही दिक्कत आती है, और इसके अंदर बूस और सापट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये किट की तरह इसकी मतलब कवर वगैरह हैं, तो इसके अंदर बूस और सापट लगा हुआ है। तो देखेंगे आप इधर से, आप इस सापट को देखेंगे और ऐसे घुमाते हुए आप देखेंगे यहाँ पे ये हिस्सा ये कटा हुआ है, ठीक है, ये पॉलिश जैसे आपको ज़्यादा चमक रहा है तो ये हिस्सा यहाँ पे कटा हुआ है, और ये कटा हुआ कैसा, ऐसा नहीं होता कि मतलब बिल्कुल इसको आप रगड़ करके बराबर कर देंगे, जितना रगड़ेंगे उतना ही ये पतला हो जाएगा। तो ये कट गया है, घिस गया है यहाँ पे, पॉलिश इसके ख़त्म हो गई है, तो इस वजह से ये क्या है कि साइड लेने लग जाता है, जैसे यहाँ पर कट जाए या इधर कट जाए तो आप दूसरी साइड देखेंगे दूसरी तरफ चारों तरफ से मतलब हल्का हल्का रेशा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, हल्का हल्का रेशा नज़र आ रहा है। तो लेकिन इस तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक ही साइड में, इधर तो मतलब कटा हुआ है पर यहाँ पे कटा हुआ नहीं है। ये जब दोस्तों जब बैरिंग की अगर सापट कटी हुई होती है तो उसके अंदर तो हम कट लगा करके उसको बराबर कर लेते हैं, लेकिन बुश के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर बुश में करेंगे तो हमारी बुश जो होती है वो खुरदरी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, हैं, उसके अंदर क्या होता है, ये हमारा बिल्कुल मतलब प्लेन होना चाहिए तभी ये काम करेगा, तभी ये वर्क करेगा। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुई है, देखिए जब इसकी सापट कट गई तो सापट कटने की वजह से इसके रूटर के ऊपर में आप देखेंगे इसमें निशान पड़ गया, ये आप देख रहे हैं जो हल्का हल्का निशान, ये रगड़ खाया हुआ है,
ठीक है, पूरे रूटर के अंदर आप देखेंगे रगड़ खाया हुआ है, और यहाँ पे तो आपको पूरा रूटर रगड़ खाया हुआ नज़र आ रहा है, पर इसके अंदर आप मोटर के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो जहाँ पे ये क्वाइलें दो काली हो रखी हैं इसके हिस्से पे ये स्टैम्पिंग जो है कि लग रही थी। मैं आपको नज़दीक से दिखाऊँ, देखिए देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पॉलिश वाला हिस्सा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर रगड़ खा रखी है, ठीक है, रगड़ा हुआ है यानी कि चमक रहा है। तो यानी कि इस कॉइल से लेकर के यहाँ तक जो कि इसके ऊपर लोड पड़ रहा था, जैसे जब रगड़ता था तो इसके जो मैग्नेट है, मैग्नेट मतलब यहाँ तो बन रही है मैग्नेट, यहाँ का मैग्नेट काम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आकर के मैग्नेट रोक देती है, मोटर आपकी रुक जाती है। इसलिए इस कॉइल पर जोर पड़ा है और सबसे ज़्यादा जोर इसके ऊपर पड़ा है, क्योंकि मेन का कनेक्शन यहाँ पे है, इस पे है और इस पे है मेन का कनेक्शन, इसलिए यहाँ से पड़ा है इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों कॉयलें ज़्यादा जली हैं, ये दोनों कॉयलें बची हुई हैं। यही होता है दोस्तों, जिस कॉयल के ऊपर मैंने मतलब अगर ज़्यादा जोर पड़ेगा वही कॉयल आपकी हीट होगी, वही कॉयल आपकी जल जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी जो स्टैम्पिंग है ये रगड़ खा रखी है, रगड़ खाने की वजह से ही ऐसी दिक्कत आती है मोटर के अंदर, या बैरिंग आपकी कट जाए, बैरिंग जाम हो जाए या बैरिंग टूट जाए। तो जब इस तरह से आपकी स्टैम्पिंग के अंदर लगने लग जाएगा तो आपके मोटर में इस प्रकार की दिक्कत आने लग जाएगी, जो कि आपको पंखे को या मोटर को फूक करके रख देगी, जला करके उसकी वाइंडिंग को रख देगी, ठीक है। और अब आप अगर ऐसा चाहते हैं कि आप ऐसा ना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। अगर आप कस्टमर हैं और आप चाहते हैं कि आपके मोटर के अंदर इस तरह की कॉइल फूकने की दिक्कत ना आए, कि कभी रनिंग की कॉइल फूक जाए, कभी स्टार्टिंग की फूक जाए, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप अपने पंखे के अंदर कभी भी बड़ा कैपेसिटर मत लगाइए। अगर आपके मोटर और पंखे के अंदर 2 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है तो उसके ऊपर आप 2.25 का लगा सकते हैं, 2.5 का लगा सकते हैं, अगर 10 का लगा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा 11 का लगा सकते हैं, 9 का लगा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा यानी कि नहीं मिल रहा था, आप सोचे कि चलो ज़्यादा चलेगा तो मैं 15 MFD का लगा देता हूँ, 4 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ कूलर के अंदर, आप सोचेंगे कि उसके अंदर मैं 5 का लगा देता हूँ, तो ये आपके लिए थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण आपकी मोटर की स्टार्टिंग जो है कि फूक जाएगी, उसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा यानी कि गर्म होने लग जाएगी, उसके अंदर करंट ज्यादा पास होने लग जाता है, ज्यादा बड़ा कैपेसिटर अगर आप लगाते हैं तो। अब दोस्तों, रनिंग की कॉइल क्यों फूकती है ये जानने के लिए आपको, जैसे कि मैंने आपको इस मोटर के अंदर बताया, आप ध्यान से सुनिएगा कि रनिंग की कॉइल आप चाहते हैं कि ना फूके, तो जब भी आपके मोटर के अंदर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है और आपको लगता है कि आपके मोटर के जो रूटर है या जो पंखे वगैरह लगे हुए हैं वो जाम चल रहे हैं, जाम होने लग गए हैं, तो उनको आपको ये काम करना चाहिए कि आपको उसको तुरंत मिस्त्री को दिखाना चाहिए या उसके अंदर ऑयल वगैरह डाल लेनी चाहिए, ऑयल कर लीजिए या ग्रीसिंग कर सकते हैं, तो उसके जो कवर होते हैं साइड साइड में उनके कवरों को खोल करके उसके अंदर आप ऑयल डाल के ग्रीस कर सकते हैं, और बुश सापट के अंदर से अगर कटकट की आवाज़ आती है या चिंची उची की आवाज़ आती है तो उसको आप बंद करवाइए, किसी भी तरह से बंद करवाइए, पर उसको बंद करवाइए। अगर आप बंद नहीं करवाएंगे तो आपके मोटर की जो वाइंडिंग है वो फूक जाएगी, ख़राब हो जाएगी, कभी एक कॉइल ख़राब होगी, कभी सारी की सारी ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। पूरी तरह से अगर आप मोटर जाम हो गई है चलते चलते तो आपकी सारी की सारी कॉइलें ख़राब हो जाएंगी, लेकिन अगर शुरुआत में चल गई और बाद में चलते चलते कहीं से खचर खचर लग रही है तो कोई ना कोई एक कॉइल आपकी फूकने वाली है, इसके लिए आप सावधान हो जाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आ गई है, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आने वाली आगे की और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।